हेलो फ्रेंड, चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया हूँ एसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट। ये नॉर्थ इंडियंस खासकर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है क्योंकि दिल्ली में इसकी पोस्टिंग रहती है लाइफ टाइम आपके लिए। तो जॉब काफ़ी लोगों की ये ड्रीम जॉब भी रहती है, जिससे कि मतलब जो नॉर्थ इंडियंस हैं खासकर इसको प्रेफर करते हैं। तो इस जॉब के बारे में टोटल जो ग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, ट्रेनिंग से लेके आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, विद इन सेक्शन विद इन मिनिस्ट्रीज आपकी कैसे पोस्टिंग होती है, दिल्ली में रहते हैं आप लेकिन विद इन मिनिस्ट्री भी आपकी पोस्टिंग रहती है, तो उसमें क्या क्या रहता है, तो उसके बाद में सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, अदर बेनिफिट्स वगैरह क्या है, डेपुटेशन वगैरह कुछ इसमें रहता है क्या, तो सारी ग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में है। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स अपने इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अमित एंड दिलीप का, जो कि CSS में ही फिलहाल पोस्टेड हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में ये दोनों पोस्टेड हैं, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की ग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरे को, जो भी जो पोस्ट है CSS की उसके लिए। तो इन दोनों को, अमित एंड दिलीप को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग आपकी नॉर्मली 8 to 9 weeks की रहती है, 8 weeks की वैसे रहती है लेकिन नॉर्मली ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप 8 to 9 weeks इसको पकड़ सकते हैं। ट्रेनिंग आपकी ISTM में होती है। ISTM मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। ये डिफरेंट सिटीज़ के अंदर में, मतलब डिफरेंट स्टेट के अंदर में है। वैसे नॉर्मली दिल्ली के अंदर में ही आपकी ट्रेनिंग होती है लेकिन नॉर्मली क्या है, बैचेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो आपको अलग अलग बैच में अलग अलग जगह बांट दिया जाता है। नॉर्मली जैसे दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और काफ़ी सिटी, मतलब जगह भी हैं जहाँ पे ये रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बैच के हिसाब से अगर बैच बड़ा रहता है तो डिफरेंट में आपको बांट के वहाँ पे अलग से ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो ट्रेनिंग 8 to 9 weeks की आपकी होगी। अभी क्या है, जो स्टार्टिंग जो ट्रेनिंग रहती है तो मॉर्निंग में आपको 6 to 7 PT वगैरह आपकी जो नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह वो रहती है। 9 to 5 आपका इंडोर क्लासेस रहती हैं, जिसमें कि आपको लंच ब्रेक मिलता है, शॉर्ट ब्रेक्स भी रहते हैं 15 मिनट्स के, लेकिन ये जो इंडोर क्लासेस हैं वो काफ़ी लंबी चलती हैं। इंडोर क्लासेस के अंदर में आपको कंडक्ट रूल्स हो गए, लीव रूल्स हो गए, RTF आपका, HRA वगैरह, मतलब जो भी स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है, प्लस जैसे पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस हो गए, RTA वगैरह, ग्रीवेंसेस वगैरह, इसको कैसे हैंडल करना, आपको ये सब चीज़ें भी वहाँ पे आपको सिखाई जाती है। नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह का भी काम रहता है तो वो भी आपको वहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती है। एक इसमें रहता है विलेज अटैचमेंट, जो कि आपको 1 week का रहता है। स्टडी टूर रहता है वो भी 1 week का रहता है। विलेज अटैचमेंट में आपको क्या किया जाता है कि भाई आपको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। नॉर्मली 5 to 10 मान सकते हो, 5 का ग्रुप बना दिया जाता है, आपको अलग अलग विलेजेस में भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको क्या है कि एक कॉमन टॉपिक दे दिया जाता है, जिसमें कि आपको ग्रुप प्रेजेंटेशन देना होता है, प्लस उसके अंदर में आपको एक इंडिविजुअल टॉपिक भी अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें कि आपको इंडिविजुअल आके रिप्रेजेंटेशन देना होता है। ग्रुप वाला जो है वो आपको 5 में से कोई भी एक जन आके रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जो आपको इंडिविजुअल टॉपिक दिया गया उसमें आपको इंडिविजुअल डिस्कस करना होता है। गाँव के अंदर में जाके आपको 1 to 1 इंटरेक्ट करना पड़ता है विलेजर्स वगैरह से, जो भी पॉलिसीज वहाँ चल रही होती है या जो भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अगर स्कीम आई होती है तो उससे उनको क्या बेनिफिट हो रहा है और वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, ये सब चीज़ें मतलब वहाँ पे जाके आपको डिस्कस करनी होती है। लास्ट में जाके आपको विलेज का मैप भी बनाना होता है और रिप्रेजेंटेशन जाके उसको देनी होती है। इसके मतलब अलग से मार्क्स होते हैं, जो भी आपके रिटर्न एग्जाम होता है उसके अलग से मार्क्स रहते हैं, तो इसको लास्ट में जाके आपको पास करना बहुत ज़रूरी रहता है। जब ये सब ट्रेनिंग हो जाती है, मतलब ट्रेनिंग ड्यूरेशन में आपको खैर काफ़ी मज़ा आएगा, खासकर जो स्टडी टूर रहता है तो वो वैसे आपको PSUs या कोई इंडस्ट्रीज वगैरह में लेके विजिट करवाते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकली अभी कई बार ऐसे होता है, कई बार आपको इधर उधर घुमा के ले आते हैं, जैसे ऊटी वगैरह या आसपास की जो अच्छी प्लेसेस हैं वहाँ पे, संडे को भी आपको आसपास की प्लेसेस घुमाने के लेके जाते हैं। तो उसमें वैसे एक इंडोर क्लासेस को देखें तो काफ़ी थोड़ा सा हेक्टिक मान सकते हैं कि भी काफ़ी लंबा शेड्यूल हो जाता है, लेकिन आपको उसमें ब्रेक वगैरह मिलता रहता है, लेकिन आपको संडे वगैरह को इधर उधर घुमा के लेके जाते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल भी अच्छे बन जाते हैं, तो मतलब इसमें एक एंजॉय वाला पार्ट है, इसमें आपको काफ़ी मजा आएगा ट्रेनिंग में। उसके बाद जब आपके 8 से 10 दिन बच जाते हैं ट्रेनिंग के, तो आपको ऑप्शंस भरवा लेते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के, आपको प्रेफरेंस भरना रहता है कि भी आपको किस मिनिस्ट्री में जाना है, फिर आपकी जो SSC की रैंक है उसके हिसाब से आपको जो मिनिस्ट्री है वो अलॉट कर दी जाती है। ट्रेनिंग खत्म होती है तो आपको डायरेक्ट जाके फिर मिनिस्ट्री में इसमें ज्वाइन करना होता है। जब आप मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर जो भी मिनिस्ट्री आपको मिलती है उसके अंदर में डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं, तो आपको एक सेक्शन रैंडमली दे दिया जाता है, जो भी आपका सीनियर रहता है जिसको लगता है कि भाई इसमें अभी ज़रूरत है तो उस आपको सेक्शन में अलॉट कर दिया जाता है। अभी बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें किस तरह की मतलब जॉब प्रोफाइल रहती है, प्लस मतलब किस तरह का वर्क प्रेशर रहता है, तो वर्क प्रेशर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये डिपेंड करेगा कि भाई आपने कौन सी मिनिस्ट्री आपको मिली है, मिनिस्ट्री पे डिपेंड करेगा, उसके बाद में उस मिनिस्ट्री के अंदर में आपको कौन सा सेक्शन मिला है, क्योंकि हर मिनिस्ट्री में हर सेक्शन में काम नहीं रहता है, मतलब काम सभी में रहता है लेकिन जो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है वो किसी किसी सेक्शन में रहता है। तो जैसे कि मान लो कि आपको अगर DOPT में हो गया या UPSC में रिक्रूटमेंट सेल में हो गया तो उसमें क्या है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो आपको ये भी हो सकता है कि रिक्रूटमेंट सेल में जैसे UPSC का तो आपको सैटरडे संडे के आके भी काम करना पड़े, क्योंकि डिफरेंट जो वैकेंसीज जो निकलती हैं, रिक्रूटमेंट निकलते हैं, तो तब उनके एग्जाम रहते हैं, तो उनके पहले बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है।
कुछ ऐसी सेक्शंस रहते हैं, कुछ ऐसे मतलब मिनिस्ट्री को नहीं बोल सकते कि भैया मिनिस्ट्री में आपके काम नहीं, मिनिस्ट्री में तो आपका काम रहेगा चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, लेकिन उसमें जो डिफरेंट सेक्शंस रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि भाई आपका जो वर्किंग नेचर है प्लस जो वर्कलोड है वो किस तरह का रहेगा। अभी अगर मैं डिफरेंट मिनिस्ट्री के डिफरेंट सेक्शंस की बात करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि अभी आपका जो मेन काम है वो ड्राफ्टिंग नोटिंग का रहता है। होता क्या है कि जैसे कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस रहती हैं, जो डिफरेंट पॉलिसी गवर्नमेंट की आती हैं, उनकी जो ड्राफ्टिंग नोटिंग है वो यहीं से स्टार्ट होती है, और खासकर जो एएसओ की पोस्ट है, एएसओ के पोस्ट से ही वो स्टार्ट होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आपकी जो राइटिंग स्किल है, ड्राफ्टिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फाइल है आगे तक अंडर सेक्रेटरी सेक्रेटरी तक जाती है, तो मतलब स्टेप टू स्टेप जाती है ये, तो आपको मतलब कि राइटिंग स्किल और ड्राफ्टिंग नोटिंग में आपको बहुत ज़्यादा कमांड करने की जरूरत है, क्योंकि आपके बहुत ऊपर लेवल के ऑफिसर्स इसको चेक करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे खैर आ जाती है, आप जैसे जैसे इसमें पुराने होते जाएंगे आपको ये सब चीज़ स्किल्स वगैरह आपकी बढ़ती जाएंगी। तो नॉर्मली इस तरह का काम रहता है, इवन जैसे मान लो आरटीआई के कुछ एप्लीकेशन वगैरह आती है उनका जवाब देना होता है, पब्लिक ग्रीवेंसेस हो गए, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस वगैरह का रहता है, कुछ मिनिस्ट्रीज में नहीं रहता है, जैसे अगर यूपीएससी बोले तो उसमें पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस वगैरह का कुछ नहीं रहता है, लेकिन दूसरी जो और मिनिस्ट्रीज रहती है उसमें रहता है, तो उनका जवाब देना रहता है। तो इस तरह के मतलब काम आपके रहेंगे बेसिकली करके, आप ऐसा मान सकते हैं कि जो एक बाबू का काम रहता है वो काम आपका इसमें एज ए एसओ जो आप रहेंगे तो उसमें रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया काम की बात, प्रेशर की बात। अभी मिनिस्ट्रीज के अंदर में भी आपके ट्रांसफर्स होते हैं, दिल्ली के बाहर नहीं रहते हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज दिल्ली के बाहर हैं, तो आप डेपुटेशन में अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, डेपुटेशन पर जा सकते हैं, वहाँ पर सीट्स होनी चाहिए। अगर आप अपने से सीट्स हैं अपने से डेपुटेशन लगा जाते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं रहता है तो आपको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आप जाते हैं उनकी तरफ से डेपुटेशन आया तो आपको फिर डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। अभी विद इन मिनिस्ट्रीज और विद इन सेक्शन भी इसमें ट्रांसफर, आप जिस भी मिनिस्ट्री में पोस्टेड हो गए तो जो भी कोई सेक्शन आपको मिला है तो विद इन 4 ईयर्स आपको सेक्शन दूसरा चेंज कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि भाई कहीं कभी आपके पास प्रेशर रहेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, कभी आपका एवरेज वर्कलोड रहेगा, क्योंकि सेक्शन हर 4 साल में आपके चेंज होते रहेंगे। मिनिस्ट्री का वैसे नॉर्मली रूल है कि भी 7 ईयर्स आपको एक ही मिनिस्ट्री में रखा जाता है, लेकिन नॉर्मली अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है 9 to 10 ईयर्स में आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाती है, दूसरी मिनिस्ट्री में आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसमें एक ये अच्छी चीज़ ये भी है कि भाई आपको जो वर्क प्रोफाइल का जो मतलब एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है कि भाई आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में काम करेंगे। आपको जो मिनिस्ट्री में काम करने का मतलब है कि भाई इंडिया में जो भी पॉलिसी चल रही है प्लस जो भी काम रहता है अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो काम रहता है आपको हर डिपार्टमेंट का नॉलेज हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है इसमें, तो इससे आप प्लस पॉइंट समझ सकते हैं। और प्लस पॉइंट नॉर्थ इंडियंस के तो लोग वैसे भी है कि भाई आपको दिल्ली में ही रहना को मिल रहा है। और दोस्तों अगर क्वार्टर्स की बात करें तो आप जब नॉर्मली स्टार्टिंग में जाते हैं तो 1 से 2 साल खासकर दिल्ली में तो प्रॉब्लम रहती है, कोई भी चाहे सीएसएस हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें मिलने में आपको प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन क्योंकि दिल्ली एक सिटी है तो आपको एचआरए बहुत अच्छा मिलता है, तो आप मतलब फ्लैट वगैरह लेके रह सकते हैं, आसपास में भी आपको फ्लैट मिल सकता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा रहेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सस्ता चाहिए तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो थोड़ी ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग वाला फंडा वहाँ पर रहता है, कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे की ट्रैवलिंग लग सकती है, लेकिन अगर पास लेना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, बस इतना रहता है इसके अंदर में। और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, चलते हैं अपन प्रमोशंस की। प्रमोशंस में क्या रहता है कि भाई सबसे पहले तो आप जब एएसओ ज्वाइन करते हैं तो 4 साल बाद में आप एलिजिबल होते हैं डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए, जो एएसओ के लिए जो पोस्ट रहती है उसके लिए। फिलहाल 2015 के जो रिजल्ट आने वाला था वो अभी तक पेंडिंग है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसके बाद में अभी तक एग्जाम नहीं लगा है। प्लस ये भी सुनने में आया है कि 2011 से लेकर 2015 के बीच में जो भी बैचेस आए हैं वो काफ़ी बड़े बैचेस हैं, तो अभी आगे चलने आने वाले टाइम पे हो सकता है कि भाई प्रमोशंस आपके धीरे हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 4 साल में लग जाता है डिपार्टमेंटल एसओ के लिए, लेकिन उसमें कम से कम वैसे नॉर्मली पहले 4 to 5 to 6 ईयर्स लग जाते थे एसओ पोस्ट के लिए, लेकिन अभी हो सकता है कि भाई आपको ज़्यादा टाइम लगे। उसके बाद में जब आप लेवल 8 पे आ जाते हैं एसओ की पोस्ट पे, तो आपको एसओ की पोस्ट ही रहती है, लेकिन आपको लेवल 9 पे 4 साल में आपको लेवल 9 मिल जाता है। फिर आपकी अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट आती है जिसमें कि भाई आपको 6 से 7 साल लगते हैं अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट के बाद में, डिप्टी सेक्रेटरी बाद में आपको जो पोस्ट रहती है उसको जॉइंट सेक्रेटरी भी कई जगह बोलते हैं, कई जगह उसको डायरेक्टर भी बोलते हैं। ऐसे ही जो आपकी जो अंडर सेक्रेटरी पोस्ट है उसमें किस कुछ मिनिस्ट्रीज उसको ADG भी बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर आप अपना लास्ट प्रमोशन इसमें देखें तो आप डिप्टी सेक्रेटरी तक जाते हैं अगर आप जल्दी इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो। प्रमोशन एस्पेक्ट्स हो गए दोस्तों, ये सारे प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप एएसओ से एसओ जो ज्वाइन कर रहे होते हैं, अगर आप एक डिपार्टमेंट एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं तो आपको 8 से 12 साल लग जाते हैं इसमें बनने में, तो काफ़ी टाइम लगता है उसके अंदर में। तो दोस्तों ये था प्रमोशन एस्पेक्ट्स। और अगर अपन लिंक्स, कई फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें लिंक तो बहुत अच्छे बन जाते हैं क्योंकि अपन मिनिस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी ऊपर लेवल तक अपने अच्छे लिंक्स बन जाने चाहिए। तो लिंक इन दी आपके सेंस है कि भाई आपके पर्सनल लिंक बन जाते हैं, लेकिन आप इसमें बहुत ज़्यादा ये करके मत आइए कि भाई मेरे बहुत ज़्यादा लिंक बन जाएंगे, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर्सनली आप जब कहीं जाके फंसते हैं तो कोई भी ऑफिसर आपको सपोर्ट नहीं करता इसमें ऐसा, तो वो आपका एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन
मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका बहुत ज़्यादा रुतबा है, वो सब तो वो सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो वैसे देखा जाए तो स्टेट पुलिस वगैरह में रहता है, लेकिन मैं फिर भी हमेशा अपने जो भी एक्सपीरियंस उनको यही प्रेफर करता हूँ कि भैया ये रुतबा ये सब चीज़ें अपने माइंड में लेके ना आए, बस ये चीज़ लेके आए कि भैया एक अच्छी पोस्ट है, इसमें मेरी लाइफ अच्छे से चलेगी, सैलरी वगैरह मेरे को इसमें डिसेंट मिलेगी, ये चीज़ें आप इसमें सोच के आएँ। चलिए दोस्तों सैलरी के बारे में जान लेते हैं। सैलरी ऑफ ASO एंड CSS लेवल सेल में रखा गया है 44,900 इसका बेसिक है। DA फिलहाल अभी 17% चल रहा है। DA को अभी जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक सीज कर दिया गया, तो यही मैंने से अभी जो चल रहा है बेसिक पे जो DA वही पकड़ा मैंने। HRA आपका 24.68% रहता है क्योंकि दिल्ली है, तो इसमें आपको 24% HRA मिलेगा। TA और ग्रोस आप देख सकते हैं, ग्रोस इसमें आपको 67,521 मिल रहा है। NPS वगैरह डिडक्शंस वगैरह इसमें अगर देखूँ आपको जो डिडक्शंस वगैरह काट के आपको 61,258 इसमें आपको मतलब अप्रॉक्स 61,000 आप मान के चलिए आपको सैलरी मिलेगी, काफ़ी डिसेंट सैलरी रहती है। NPS के बारे में लीव क्वार्टर्स मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ और रहती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो ASO इन सेंट्रल सेक्रेटरीट, मैंने पूरे पॉइंट इसमें कवर करने की कोशिश की। अगर फिर भी कुछ पॉइंट रह गया हो तो आप इसको मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कीजिए मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों अगर फिलहाल अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि भाई हेल्पफुल हो सकता है दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए भी तो इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए जय हिंद।